आकाश कितना अच्छा गार्डन है ना। चलो ना यहाँ बैठ के बातें करते हैं, वैसे ऐसे घूमते रहेंगे पूरा दिन। छोड़ो ना ये सब बातों को, हम कब तक ये राजकोट में पड़े रहेंगे? क्यों, क्या कमी है हमारे राजकोट में? यहाँ हाजी डैम है, रेस्को से और तो और गांधी म्यूजियम भी है, सब कुछ है। पर यहाँ बोस्टन तो नहीं है ना? बोस्टन? नहीं नहीं, तुम भूल रही हो, अभी अभी राजकोट में नया बस स्टैंड बना है। अरे बुद्धू, मैं वो बस स्टैंड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अमेरिका के सबसे बड़े शहर बोस्टन की बात कर रही हूँ। ओ बोस्टन, लेकिन वहाँ जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है आकाश, मैंने और तुमने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, और हमारी पढ़ाई की कद्र यहाँ राजकोट में नहीं अमेरिका में है। ऐसा कुछ नहीं होता रिया, देखो अभी अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई और तुम अमेरिका के सपने देख रही हो। मैंने सोच लिया है कि मैं आज ही घर जाके पापा से अपनी शादी की बात करूंगा। जब तक तुम मुझे अमेरिका नहीं ले जाते तब तक हमारी शादी नहीं हो सकती। लेकिन वहाँ जाके करेंगे क्या, जॉब भी तो ढूंढनी पड़ेगी ना। अरे बाबा, मैंने वहाँ पे एक बड़ी वाली कंपनी में मेरा रिज्यूम भेज दिया है, बस थोड़ी सी देर है वहाँ पहुँचने की। लेकिन अमेरिका जाने के लिए कितने सारे पैसे की जरूरत होती है, वो मैं कहाँ से लाऊं? आकाश तुम्हें याद है तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारी गांव में कोई जमीन है? हाँ वो तो है। हाँ तो कहो ना अपने पापा को, अपने पापा से बात करो और उससे कहो कि वो गांव वाली जमीन है वो बेच दे, उन पैसों से हम अमेरिका जाएंगे और सेटल हो जाएंगे। बात तो तुम्हारी सही है, ठीक है मैं आज ही पापा से बात करता हूँ। ओके खुश, ये हुई ना बात। चलो 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 अब चलते हैं यार। हाय पापा मम्मी, कैसे हो? पापा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो बेटा क्या काम है? पापा तुम्हें याद है जब मैं छोटा था तब मेले में मुझे खिलौना पसंद आ गया था और उसे खरीदने के लिए तुमने बहुत जिद की थी। अरे मम्मी तुम्हें तो सब कुछ याद है। याद कैसे नहीं होगा, तुम्हारे उस जीत के आगे हम दोनों हार गए थे, लेकिन इतनी पुरानी बात आज क्यों याद की? पापा ऐसी ही एक चीज आज मुझे चाहिए। बोलो बेटा क्या खरीदना है? पापा खरीदना नहीं है, मुझे कहीं जाना है। अरे कहाँ जाना है आकाश? मुझे अमेरिका जाना है। लेकिन अमेरिका क्यों? पापा मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और राजकोट में से कोई कंपनी नहीं जो मुझे नौकरी दे सके। एक अमेरिका ही एक ऐसा लौता देश है जहाँ मुझे अच्छी से अच्छी नौकरी और सैलरी मिल सकती है। ऐसा कुछ नहीं होता, जब तुम्हारा टैलेंट इतना अच्छा है तो अमेरिका जाने की क्या जरूरत है? जो काम तुम वहाँ कर सकते हो वो काम यहाँ भी तो हो सकता है। और वैसे भी वहाँ जाने में कितना पैसा लगेंगे? मम्मी पापा आप लोग मेरी बात समझ नहीं रहे हो। समझ तो तुम नहीं रहे हो आकाश, जो काम सुई से हो सकता है उसके लिए तलवार का इस्तेमाल नहीं करते। पापा ऐसी बात नहीं है, आदमी को कामयाब होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और यहाँ मैं कितना महीने में कमा लूंगा, 20,000, 30,000, 40,000, लेकिन वहाँ तो मेरी सैलरी लाखों में होगी। बात तो ऐसे कर रहे हो कि अमेरिका में जैसे तुम्हारी कोई राह देख कर बैठे है कि आओ आकाश कुमार ये लो नौकरी और कितनी सैलरी लोगे, 10 लाख 20 लाख? मम्मी प्लीज मजाक मत करो, ये मेरे ब्राइट फ्यूचर का सवाल है। अगर बचपन में मैंने तुम्हारी ऐसी जिद पूरी न की होती तो तुम आज ऐसी जिद पर अड़े नहीं होते। पापा ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, हमारे बारे में भी तो है। मैं वहाँ सेटल हो जाऊंगा, फिर आप दोनों को भी वहाँ बुला लूंगा। और पापा मैंने ऐसी भी क्या चीज आपसे मांग ली कि आप लोग मुझसे इतनी बहस कर रहे हो? लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे तुम्हें अमेरिका भेजने के लिए? गाँव में हमारी जो जमीन है हम उसे बेच देंगे। अरे बेटा वो जमीन हम कैसे बेच सकते हैं, वो हमारे बाप दादा और हमारे पुरखों की निशानी है, और तुम्हें अपने घर के बारे में भी पता है, ये घर भी तो लोन पे है। तो लोन तभी पूरी होगी जब मैं अमेरिका नौकरी करने जाऊंगा, यहाँ राजकोट में पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे ना तो मैं ब्याज पे पैसे ले लूंगा, लेकिन अमेरिका जाऊंगा जाऊंगा और जाऊंगा। सुनो तो सही। अरे बेटा आकाश क्या हुआ, तुमने पापा से बात की? हाँ मैंने पापा से बात कर ली है और मुझे विश्वास है कि पापा जरूर मान जाएंगे। मान जाएंगे मतलब अभी तक वो माने नहीं है? आकाश मेरे लिए अमेरिका से शादी के रिश्ते आ रहे हैं, अगर तुमने ऐसे ही वक्त बर्बाद किया ना तो अमेरिका वाला कोई मुझे लेकर चला जाएगा।
यार मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, बस तुम मुझे सिर्फ एक दो दिन का वक्त दो, मैं पापा को जरूर मना लूंगा। एक दो दिन का वक्त नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का वक्त है। यार मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, कोई नौकर थोड़ी हो जो तुम मुझे ऐसे ऑर्डर कर रही हो। अरे बाबा मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, तुम नहीं समझोगे यार, हमारे ब्राइट फ्यूचर के बारे में कुछ तो सोचो। ठीक है चलो मैं आज फिर से पापा से बात करता हूँ, ठीक है? तुम पापा से बात करो अमेरिका जाने के लिए, अगर तुमने ये बात कर ली उसके बाद मैं मेरे मॉम डैड को बात करती हूँ हमारी शादी के बारे में। ओके मुझे विश्वास है कि मैं पापा को जरूर मना लूंगा। हैप्पी हैप्पी। ओके चलो। पापा कुछ बात आगे बढ़ी? किस बात की? हमारे जमीन की। मुझे तो अभी तक कोई खरीदार नहीं मिला। ठीक है चलो मैं ही ढूंढता हूँ, जो दाम मिलेगा उसमें जमीन बेच देंगे। मैं अपनी पुश्तैनी जमीन ऐसे कौड़ियों के दाम नहीं बिकने दूंगा। लेकिन पापा। अभी कुछ नहीं, अंदर जाके खाना खा लो, हम कल बात करेंगे। एक बार ये जमीन बिक गई ना फिर मैं रिया से शादी कर लूंगा और अमेरिका सेटल हो जाऊंगा। किस सोच में डूबे हो? कुछ नहीं मम्मी। ठीक है मैं खाना खा लेता हूँ, हम कल बात करेंगे। ओके पापा आप मुझे कहेंगे कि ये जमीन हम कब तक बेचेंगे? मुझे पता नहीं, लेकिन तुम बैठो इसे पढ़ो, इसमें है तुम्हारे लिए कुछ। तुम जानते हो आकाश ये जिंदगी तुम किसकी वजह से जी रहे हो? हाँ तुम्हारी वजह से। नहीं मेरी मेहनत की वजह से। मैं चाहता तो ये जमीन मैं भी बेच सकता था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं जानता हूँ पापा आप बहुत महान है लेकिन मैं आपके जितना महान नहीं हूँ। किसी ने सच ही कहा है, जरूरत से ज्यादा मिला हुआ सुख आदमी को हैवान बना देता है, इसीलिए मैं ये तुम्हारे लिए भगवत गीता लाया हूँ, इसे पढ़ो और अपनी जिंदगी बेहतर बनाओ। नहीं पढ़नी मुझे ये भगवत गीता। पापा कब तक इस जमीन को गले में बांध कर रखोगे? जब मैं रहूंगा ही नहीं तो इस जमीन का क्या करोगे? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। बच्चे को पालने की औकात नहीं तो फिर मुझे पैदा ही क्यों किया? आकाश ऐसे की जाती है अपने पिता से बात? तो किस तरह से बात करूं मैं? आपको आपकी जमीन प्यारी है, आपका बेटा नहीं। आकाश बेटा मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अब मैं जा रहा हूँ और जब मेरा जी करेगा ना तब मैं वापस आऊंगा। अब करो अपनी जमीन का जो करना है वो। हाय बेबी। हाय। पापा से बात हुई? नहीं हुई बात और कभी होगी भी नहीं। तुम्हें जिससे शादी करनी है उसे कर लो, जाओ यहाँ से। अरे अरे शांत हो जाओ, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? तो सुनो अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ तुम्हारे घर। आकाश फोन तो उठा लो। घर से निकला हूँ तब से 500 बार फोन कर चुकी है, नहीं कर रही है मुझे बात। मैं अपना मोबाइल स्विच ऑफ करता हूँ ताकि मेरी माँ का फोन ही नहीं आए। आकाश ऐसा नहीं करते, एक बार बात तो कर लो। नहीं करनी है मुझे बात, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। अरे चलो तुम्हें आना है कि नहीं, मैंने कहा ना चलो। आकाश इतने सारे लोग तुम्हारे घर पर क्या कर रहे हैं? पता नहीं, चलो चलकर देखते हैं। ये सब कुछ क्यों आया है यहाँ पर? चला जा, तुझे जहाँ जाना था ना वहाँ चला जा। तेरी वजह से आज तेरे पापा हम सबको छोड़कर चले गए। मेरी वजह से? लेकिन मैंने क्या किया माँ? सुनना चाहता है ना तो सुन। तुम्हारे पापा ने वो जमीन आज सुबह ही बेच दी थी, उन पैसों का चेक उन्होंने भगवत गीता में रखा था। उन्हें लगता था कि तुम चेक के साथ भगवत गीता भी पढ़ोगे तो थोड़ी अकल आएगी, लेकिन तुम्हें लगता था कि तुम्हारे पापा को तुम्हारी कोई चिंता नहीं। जब तुम उनसे झगड़ा करके चले गए थे तब पीछे पीछे वो तुम्हें चिल्ला कर बुला रहे थे, उसी वक्त उनको दिल का दौरा पड़ा। उनके आखिरी शब्द यही थे, आकाश की माँ
उसे ये चेक दे देना। उसको ऐसा ना लगे कि हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई है। तुम हाँ मुझे बुलाया क्यों नहीं? कितनी बार तुझे कॉल किया, एक बार भी तूने फोन नहीं उठाया। और तेरे इस फोन के चक्कर में तेरे पापा हम सबको छोड़कर आज चले गए। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अच्छा बेटा नहीं बन सका। I'm sorry पापा, I'm sorry। मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे माफ कर दीजिए पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप हो, लेकिन मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन सका। इसके लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार समझता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए पापा, पापा मुझे माफ कर दीजिए पापा। आकाश आकाश शांत हो जाओ, जो होना था वो हो गया। सबसे बड़ी गलती हो गई आंटी। आकाश तुम भी मुझे माफ कर दो, मुझे पता है मैं माफी के लायक तो नहीं हूं, और मुझे ये भी पता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ये मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई आज, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, मेरी वजह से तुम्हारा परिवार बिखर गया है। आकाश मुझे माफ कर दो, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारे परिवार के बिखरने की वजह सिर्फ मैं और मैं ही हूं, मैं ही हूं। इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी गलती, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था।